मैं यहाँ राजनगर पार्ट टू वार्ड नंबर 46S में आम आदमी पार्टी के कार्यालय में बैठा हुआ हूँ और यहाँ पर बहुत सारे यहाँ के स्थानीय जो वोटर हैं, समर्थक हैं, वह भी हैं। मैं यहाँ जानने के लिए आया हुआ हूँ कि भविष्य की राजनीति को लेकर आम आदमी पार्टी के जो यहाँ कार्यालय में नेता हैं, कार्य उनके समर्थक हैं, वह क्या सोचते हैं। हमारे साथ उषा सोलंकी भी हैं जो इस वार्ड की अध्यक्ष की धर्मपत्नी हैं। उषा जी, आपके पति राजनीति में काफ़ी समय से हैं, क्या लगता है भविष्य के अंदर आप चाहती हैं कि यहाँ का निगम पार्षद आपका पति रहे? मैं तो यही चाहूँगी मेरा पति बने। नहीं, उसके कुछ खास विशेषता? उनकी विशेषता ये है, वो हर इंसान को समझते हैं, उनकी तकलीफ समझते हैं। उनके बारे में मतलब कितनी तारीफ करूं, मेरे लिए तो कमी है। एक पत्नी तो हम अपने पति की तारीफ करेगी करेगी। जी वो तो है, लेकिन सभी करते हैं, इनकी तारीफ तो सभी करते हैं। आप थोड़ा सा अलग हटकर हम बात करेंगे कि इस क्षेत्र में जहां आप रह रही हैं, राजनगर पार्ट टू के अंदर रह रही हैं, ऐसा कौन सा काम हुआ है कि जो भविष्य में आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद चुना जाए, क्योंकि अभी तक बीजेपी का चुना जाता रहा है? मुझे तो यही लग गुजर चुकी हूँ। रोड मेरे सामने इतने बद्दर मतलब बेकार थे ही नहीं, मेरे सामने ही अब ये बढ़िया रोड बने हैं, क्योंकि पहले तो कहीं खड्डे थे, कहीं कुछ था, कहीं पानी नहीं था, कहीं नाली टूटी पड़ी, लोग बस ऐसे ही परेशान रहते थे। और बिजली भी कभी 4 घंटे कटी, कभी 5 घंटे कटी, रोज़ बिजली कटती थी। कितनी दूर दूर से लाइन ने खींच खींच के लाते थे मेरे सामने, हम फाटक से लाते थे लाइन तार की खींच के। ऐसा कोई दो काम बताइए जो अभी तक बाकी रह गया? मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं रहा। मैं यहाँ पर वार्ड 46S के आम आदमी पार्टी के कार्यालय में हूँ और यहाँ के जो इस कार्यालय के इंचार्ज हैं आम आदमी पार्टी कार्यालय के, उनसे यहाँ के बारे में और उन यहाँ के जो राजनीति है, जो यहाँ की भविष्य की आम आदमी पार्टी की जो योजनाएं हैं, उस पर कुछ जानने की कोशिश करूँगा और आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। आपका नाम? बनवारी लाल जी। बनवारी लाल जी, आप यहाँ पर किस हैसियत से हैं इस कार्यालय में? इस कार्यालय में भी काम ऑफिस का देखभाल करने के लिए मेरे को रखा हुआ है सर। क्या देखभाल? यहाँ पे कोई भी आदमी आता है, किसी को दुख तकलीफ होती है, कोई बताता है कि भाई ये प्रॉब्लम है हमें, तो हम कोशिश करते हैं कि उसके तकलीफ को दूर करने की। 1 जनवरी 2022 को आपका कार्यालय और आपके जो वार्ड अध्यक्ष हैं, वह आपके MLA का जन्मदिन मनाने का एक समारोह करने जा रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? मैं यही कहना चाहता हूँ सर कि हमारे MLA साहब भी जो हैं बड़े सुशील, अच्छे और कर्मठ नेता हैं, और उन्होंने हमारे वार्ड के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, जिससे जनता पूरे प्रसन्न है, खुश है। तो हमें भी इसी बात की खुशी है कि एक मौका मिला है उनके जन्मदिन का, तो हम उनके जन्मदिन को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। और उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया है? उन्होंने सर पूरी रोड बनवाई है, सीवर लाइन डलवाई है और नालियां वगैरह जो थी सब पक्का किया है। और पहले बड़े दुख तकलीफ में थे लोग, चलने को रास्ता नहीं था, पैदल भी नहीं निकल सकते थे, तो वो सब जो उन्होंने मरम्मत करा करके ठीक कराया। और पानी की सुविधा थी नहीं थी लोगों के पास, तो पानी घर घर पहुंचाया है और अभी पानी की किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है सर। तो अच्छे काम किए हैं उन्होंने बहुत। मैं यहाँ पर इस कार्यालय में और भी कई लोग हैं, मैं उनसे भी बातचीत आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। आपका नाम सर? ओम प्रकाश भाटी जी। आप यहाँ इस कार्यालय में क्या करने आए हैं? बाबा हम तो सेवा करना है, पब्लिक आवे उनसे आधार कार्ड बनना किसी का नहीं बना है उसे बनवाते हैं। भविष्य में आप क्या लगता है आपके क्षेत्र में किसको टिकट मिलेगी आम आदमी पार्टी से? देखो सभी दौड़ कर रहे हैं, वैसे तो सतीश की ताकत लगा रहे हैं सब। क्या लगता है? अंदाज है जी, लगे है हो जाए। आपकी क्या इच्छा है? मेरी तो इच्छा, मैं तो बैठा हूँ इच्छा में। नहीं, इच्छा में तो कहीं पे भी बैठ सकते हैं। ऐसे कैसे बैठ जाएंगे? वहीं तो बैठेंगे जो हम मन करेगा, अच्छे इंसान के पास ही तो बैठेगा आदमी, गलत के साथ थोड़ी बैठेगा। आपका सर? मेरा नाम देवेंद्र प्रधान है। देवेंद्र प्रधान जी, इस वार्ड के अंदर
बहुत सारे काम गिना दिए गए हैं और बहुत सारी उपलब्धियां भी गिना दी गई है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कुछ काम रह गया है? नहीं, काम तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। जो विधायक जी के दायरे में आते हैं, आदरणीय भूपेंद्र सिंह जून जी ने मतलब पिछले 2 साल में काफ़ी कार्य किए हैं। बीच की जो अपना माध्यम ताल थी, माफिया राज चलता था, उनको काफ़ी हद तक उन्होंने कंट्रोल किया है। जैसे आप मानो कि पानी की पहले टैंकरों की राजनीति थी, उन्होंने पानी की टैंकरों की राजनीति के घर घर हर घर में नल, हर घर में पानी वाली जो पॉलिसी थी आदरणीय केजरीवाल जी की, उसको संपूर्ण किया है। क्या लगता है भविष्य में किसको यहाँ पर आप चुनावी दौर में देखना चाहते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से इस वार्ड का? इस वार्ड का देखो जी, हम तो यही चाहते हैं कि हमारे आदरणीय सतीश सोलंकी जी हमारे नज़दीक हैं और सर्वप्रिय, सर्व समाज के प्रिय नेता में हैं वो, और शुरू से ही राजनगर में रह रहे हैं तो उन्होंने राजनगर को बड़ी गहराई से जाना है। तो राजनगर की जो भी समस्या है तो शायद सतीश जी से ज़्यादा कोई उनको नहीं पहचानता और जनता के बीच में गहरा प्यार है उनका। तो हम तो चाहेंगे कि आने वाले टाइम में MCD में सतीश जी को यहाँ पे उम्मीदवार बनाया जाए। और भी कई लोग हैं यहाँ पर, मैं उनसे भी बातचीत करना चाहूँगा। आपका शुभ नाम? लक्ष्मण दास। हाँ जी, लक्ष्मण दास। लक्ष्मण दास जी, काम सतीश जी आपके भविष्य के उम्मीदवार के तौर पर बड़ी चर्चा में है। हाँ जी, आप उनके साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सी बात है कि आपकी सहानुभूति भी उनके साथ होगी, आप विरोध तो करेंगे नहीं। हाँ जी, हाँ जी। उनकी क्या ऐसी कोई दो गुण तो बताइए। ऐसा है सर, यहाँ पे ये इनका लिंक काफ़ी राजनगर के एरिए में काफ़ी अच्छा लिंक है। अगर कोई बाहर का आदमी आएगा तो उसका लिंक यहाँ पे नहीं रहेगा। हम लिंक से क्या मतलब है? लिंक मीन्स कोई बाहर का कोई चुना जाए तो उसका लिंक यहाँ पर नहीं रहेगा उतना, वो अपने एरिया। आप ये कहना चाहते हैं कि स्थानीय नेता होना चाहिए? स्थानीय नेता होना चाहिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ। मेरा नाम कुलदीप सिंह है, मैं गली नंबर 2 में रहता हूँ, राजनगर पार्ट 2 के गली नंबर 2 में आप रहते हैं। क्या लगता है भविष्य में सतीश जी को लोकबाग, जो यहाँ के जो कार्यालय से जुड़े हुए हैं, जो इनके कार्यकर्ता हैं, वो तो बड़ा जोर मार रहे हैं कि जी सतीश को भविष्य में यहाँ का उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए, आपको क्या लगता है? सतीश जी बहुत समय से हम देखते आ रहे हैं, कोई भी यहाँ का रहने वाला है अपने एरिया का, कोई भी इनको किसी भी कोई भी समस्या बोलता है तुरंत उसके पास जाते हैं, उसकी समस्या को 100% सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये कोई भी समस्या की आप कब से रह रहे हैं राजनगर में? मैं 84-85 से रह रहा हूँ। तो आपने बहुत सारी समस्याएं भी यहाँ देखी होंगी। जी जी। अब क्या हाल है राजनगर का? अब तो हाल बहुत अच्छा है, इनका कोई जवाब। आप यहाँ पर कुछ महिला शक्ति भी है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि वह उनका क्या विचार है। चंदा देवी जी, आप कहाँ से हैं? मैं डीडीओ पार्क रहती हूँ राजनगर पार्ट 2 में। अच्छा, क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में कुछ काम वाम भी हुआ है? काम तो जी बहुत अच्छे हुए, केजरीवाल ने बहुत बढ़िया करा हमारे लिए। आप उनकी कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के? मैं कार्यकर्ता हूँ, और इसलिए आप उनका समर्थन कर रही हैं? हाँ, इसलिए समर्थन। हमें पानी भी दिया, बिजली भी दिया, सब कुछ दिया। बिजली तो पहले से थी, अब फ्री करी ना बिजली। क्या लगता है भविष्य में निगम पार्षद कौन होना चाहिए? सतीश सोलंकी होना चाहिए। देखो ये उसके था, हम जब से जानते हैं कितने साल हो गए मुझे, ये लड़का नेगा ईमानदार है, इससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। हम सब पार्टी में बैठ के देख लिया, ईमानदार और सच्चा बंदा जिसको कहते हैं, बेमान तो बहुत मिलते हैं, ईमानदार एक मिलता है। सर आपका नाम? लोकेश शर्मा। लोकेश जी, आप इस क्षेत्र के स्थानीय निवासी हैं? हाँ जी, मैं सन 86 से यहाँ पे रह रहा हूँ। तो सन 86 में, अब तो मैं यहाँ जब से देख रहा हूँ, यहाँ तो बड़ा परिवर्तन आ गया है। हाँ, बहुत परिवर्तन आया है। जैसे जब 86 में आए थे तो ना यहाँ लाइट थी, ना रोड था, ना सीवर था, ना नाली थी, कुछ फैसिलिटी नहीं थी यहाँ पे। अब क्या है? अब तो कोई फैसिलिटी, अब तो हर चीज़ की फैसिलिटी है। कॉलोनी के अंदर में कोई गली ऐसी नहीं है जो ना बनी हो, एक दो गली की मैं कहता नहीं कि जो, वो भी मतलब कि आधी अधूरी रही है, वो भी पब्लिक जैसे हमारी और आम लोगों की वजह से कि मेरे घर के यहाँ से नहीं जाना चाहिए, ये पहले ये काम होना चाहिए, उस वजह से रुकी हुई है। अदरवाइज जो काम हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है। जुड़े हुए हैं? हाँ जी, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। क्या है आम आदमी पार्टी में? मैं अभी संगठन मंत्री हूँ वार्ड में। तो इसलिए आप उनके समर्थन में बोलेंगे? नहीं, समर्थन में बोलने की बात नहीं है, उनके काम इतने अच्छे हैं कि हम जुड़े इसीलिए हैं।
अदरवाइज आज से पहले हम यहाँ राजनगर में रह रहे हैं, हमने किसी पार्टी से कोई वो सरोकार नहीं रखा। विधानसभा क्षेत्र में ऐसे खासकर ये जो राजनगर है, यहाँ का दो कोई ऐसा काम बताएं जो कि पहले नहीं हुआ। देखिए, सबसे मेन काम तो सीवर का, फर्स्ट नंबर। आधे राजनगर के अंदर में सीवर था, आधे नगर राजनगर में सीवर नहीं था। आपको मैं बताऊं कि तीन तीन चार चार फुट की नालियां थी और मेरे ख्याल से आधे घर खाली सीलन की वजह से डैमेज हो रखे थे। तो ये अभी पहला काम जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ। उससे पहले पानी की इतनी किल्लत थी, जो पुरानी गवर्नमेंट थी उसके अंदर में यहाँ पे पानी के लिए हर दूसरा आदमी परेशान था, टैंकरों पे लड़ाई होती थी, इवन सर भी फूटते थे। लेकिन आज जो काम हुआ है पानी का, आज माननीय केजरीवाल जी ने जो ये काम करवाए हैं, आज दिक्कत है थोड़ी बहुत, मान रहे हैं दिक्कत है, वो दिक्कत भी खत्म हो जाएगी। इस नगर निगम चुनाव के अंदर आप अपने वार्ड के अंदर राजनगर पार्ट टू का जो वार्ड 46S है, भविष्य में किस निगम पार्षद को देखना चाहते हैं? आज हम सारा अपना काम धाम छोड़ के और भाई साहब के साथ लगे हुए हैं। एक छोटा आदमी हो, छोटा बच्चा हो या बड़ा आदमी हो, कोई आदमी इनकी बुराई नहीं कर सकता। आप आधी रात को फोन करेंगे कि ये दिक्कत है, परेशानी है, चाहे किसी भी हालत में होंगे आपके साथ आके खड़े होंगे। आप समर्थन में जुड़े हुए तो इसलिए ये बात कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, समर्थन में नहीं जुड़े हैं मैं, समर्थन में तो आम आदमी इन्होंने कल ये अगर किसी और पार्टी के ज्वाइन कर देंगे तो आप जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। दिल्ली प्रदेश का जो इंचार्ज टिकट को वितरण करने वाला होगा, आप उसको क्या सुझाव देना चाहेंगे अपने वार्ड को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो हम वार्ड की बात कर लेते हैं। जो पार्टी हमें काम दे रही है कि आप वार्ड के अंदर में आपको एक काम करना है, जैसे अभी फिलहाल के अंदर में हमें मेंबर बनाने का काम दिया गया, 200 मेंबर पर डे हमें बनाने। आप किसी भी विधानसभा में चेक करो, राजनगर के जो बिजवासन विधानसभा के अलावा किसी विधानसभा में आप चेक करोगे, आपको हम नंबर वन पे मिलेंगे, सेकंड पे नहीं आए होंगे। इतना काम मुस्तैदी से कर रहे हैं। आपकी पार्टी 1 जनवरी 2022 को आपके अपने MLA का एक जन्मदिन मनाने जा रही है, एक उत्सव मनाने जा रही है, एक समारोह करने जा रही है, उसकी क्या ज़रूरत पड़ गई? देखिए, ज़रूरत की बात नहीं है, ये मान सम्मान की बात है। जो आज से पहले जैसे आम आदमी भी लगाएंगे, आम आदमी में भी माननीय जून साहब से पहले भी यहाँ पे विधायक रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी राजनगर की तरफ झांका नहीं है, कभी समस्याओं को समझा ही नहीं है, इवन राजनगर में कभी आके देखा ही नहीं है। जो भी राजनगर के अंदर में तरक्की हो रही है, पानी की दिक्कत है, परेशानी है, वो जब हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उनको इतना ही मान सम्मान दें। जो पहले नहीं हुए, पहले तो बिजली का काम कभी भी पहले नहीं हुआ, जो कि मैं 2011 में रिटायर हुआ था और इधर सेटल हुआ तो उस टाइम पर बिजली 6-6 घंटा एक एक दिन भर नहीं आती थी, जो कि एक मेन प्रॉब्लम थी। पानी के लिए हमें भटकना पड़ता। बिजली की समस्या तो क्या कहते हैं कांग्रेस टाइम में ही खत्म हो गई थी, शीला दीक्षित के टाइम? नहीं श्रीमान, ये जितनी भी बिजली आप देख रहे हैं, जितना भी बिजली का टेंडर वगैरह या प्राइवेट हुई है, वो तो कांग्रेस के टाइम में ही हुई है। नहीं, कांग्रेस के टाइम में नहीं हुई, ये जस्ट अभी 2012-13 के बाद में थोड़ा बिजली ठीक आना शुरू हुआ। अभी तो 2012-13 में किसकी सरकार थी दिल्ली में? कांग्रेस की थी। तो फिर बिजली नहीं थी कांग्रेस के टाइम? नहीं थी, उस टाइम पर भी नहीं थी, लेकिन बिजली का तो अभी केजरीवाल आने के बाद में ये हुआ है कि बिजली फुल आ रही है, 24 आवर्स आ रही है। इवन दो की बिल भी पेड नहीं करने पड़ रहे हमें, 200 यूनिट तक फ्री दी जा रही है। आपको क्या लगता है कि इस क्षेत्र में कौन सा ऐसा काम रह गया है कि जो नया पार्षद चुना जाए वो पूरा करेगा? देखो, थोड़ा सा सीवर का काम बचा हुआ है, कुछ पानी की सप्लाई का काम बचा हुआ, जो कि कभी कभी बाई चांस काम नहीं चल सकता। भविष्य में आप अपने क्षेत्र में किस नेता को पसंद करेंगे? जो काम करने वाला अच्छा होगा हम उसको पसंद करेंगे, चाहे किसी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का हो। यहाँ पर कुछ युवा पीढ़ी के लोग भी हैं और युवा पीढ़ी का झुकाव शुरू से देखता आया हूँ मैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ रहा है, युवा पीढ़ी ने बहुत समर्थन दिया है, बहुत ही सहयोग किया हुआ है। युवा पीढ़ी क्या सोचती है आम आदमी पार्टी को लेकर, यह भी जानने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट दीपांशु सोलंकी। दीपांशु जी, आप तो युवा हैं बिल्कुल, और कब से आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं? आम आदमी पार्टी से जब से श्री सतीश सोलंकी जी ने आम आदमी पार्टी के अंदर गए हैं, उसी टाइम से हम भी जुड़ चुके हैं। सतीश सोलंकी जी अगर आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं तो इसलिए आप जुड़े हुए हैं। एक युवा होने के नाते आम आदमी पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं आप? एक युवा होने के नाते, जैसे कि बीजेपी है,
कोई अर्ध और कोई सरकार है उसने रोज़गार का हमसे वादा किया था कि आप ग्रेजुएट होते हो, ट्वेल्थ पास करते हो, आपको नौकरी मिलेगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बेचारे अगर उनकी जॉब नहीं लग पाई। कुछ आम आदमी पार्टी ने कोई रोज़गार का साधन दिया है? रोज़गार का साधन अब देना स्टार्ट करा है, जैसे कि हमारे विधायक हैं BS जून, उनने अभी अपना यहाँ पे स्टार्टअप लगाया था कि आप आओ अपना प्रॉब्लम बताओ, आप कौन कितने पढ़े हो, अपनी डिग्री दिखाओ। उस तरीके से जो भी प्राइवेट सेक्टर में कोई भी जॉब अगर निकलती है तो वो अपने उससे वो उसमें सपोर्ट करेंगे। और ये हमारे सतीश सोलंकी जी ने भी इस चीज़ का सपोर्ट करा था। ये प्रोजेक्ट दिल्ली सरकार का है या इस एरिए का MLA का है? ये इस एरिए के MLA ने ही करा है। यानी दिल्ली सरकार ने कोई भी रोज़गार का साधन नहीं खोला? दिल्ली सरकार ने रोज़गार का साधन दिया है, पर अभी मुझे अपने विधायक जी के बारे में पता है, दिल्ली सरकार के बारे में अभी मुझे नहीं पता इतना, क्योंकि मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, मुझे डे टू डे बाय डे मैं दिल गलियों में मेंबर बनाने के लिए जा रहा हूँ, तो वहाँ पर मुझे पता लगता है कि ऐसे ऐसी सिचुएशंस है, दिल्ली सरकार ने ये किया है, कुछ काम अधूरे रह गए हैं, कुछ उन्हें करने हैं। विधायक जी भूपेंद्र जून जो MLA आपके विधानसभा क्षेत्र के हैं, उनका स्टार्टअप से क्या यहाँ के रोज़गार मिलेगा युवाओं को? बिल्कुल मिलेगा। आज से पहले तो किसी ने स्टार्टअप ही नहीं लगाया, अब स्टार्टअप तो लगाया। अब स्टार्टअप लगाने के बाद बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मिलना भी शुरू हो चुका है। जैसे विनोद कुमार जी। विनोद जी, राजनगर पार्ट टू के अंदर आप पुराने निवासी हैं और आपने बड़े परिवर्तन देखे होंगे, कोई दो परिवर्तन ऐसा बताइए जो कि आम आदमी पार्टी से पहले नहीं हुए और अब हुए। सर, पहले का एक सबसे बड़ा तो ये इलेक्ट्रिसिटी का जो था सिस्टम, कि पहले मोहल्ले के लोग इकट्ठे होकर जाते थे MLA के पास, निगम पार्षद के पास, कि लाइटें नहीं है। आजकल लाइटें नहीं जा रही हैं और पब्लिक को जो रिलीफ मिला है बिजली बिल में वो भी है, पानी के उसमें भी मिला है, पानी के टैंकरों से राहत मिल गई है। पानी के पानी तो गलियों में पानी के टैंकर खड़े रहते थे, आने जाने में दिक्कतें होती थी और गली सीवर लाइन वगैरह की भी बहुत दिक्कत होती थी, जो आज से पहले कभी हुआ ही नहीं था। भविष्य में निगम पार्षद के रूप में किसे देखना चाहते हैं? सर देखो, निगम पार्षद का जो इलेक्शन है वो एक फेस वैल्यू का इलेक्शन है, वो कोई वैसे नहीं है। फेस वैल्यू का जो हमारे लिए आधी रात को खड़ा रहेगा उसी के लिए निगम पार्षद ही, वही होता है कि घर के मेंबर की तरह होता है, वार्ड में घर परिवार की तरह। तो उसमें हमारे यहाँ से तो भाई सतीश सोलंकी जी हैं। आपका नाम? श्वेता राणा। श्वेता जी, आप यहाँ कब से हैं? 15 ईयर्स अप्रोक्स। दिल्ली में 25 ईयर्स एंड राजनगर में 15 ईयर्स। इन 15 सालों में आपके अपने वार्ड के अंदर क्या ऐसा परिवर्तन देख रही हैं? परिवर्तन जब से ये आम आदमी पार्टी आई है, केजरीवाल जी आए हैं, जब से काफ़ी परिवर्तन है, बट इन MLA इलेक्शंस में है जो MLA जी हैं हमारे भूपेंद्र सिंह जून, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। बट अभी हम चाहते हैं, पूरा यूथ चाहता है कि अभी MCD इलेक्शन में जो है वो भी आम आदमी पार्टी आए, और ये जो श्री सतीश सोलंकी जी हैं ये काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं अपने वार्ड में, और इनका काफ़ी काम जो है सोशल वर्क से रिलेटेड भी है, और ये चाहते हैं कि अपना जो अपना वार्ड है 46S ये करप्शन फ्री हो जाए, इसीलिए हम हमारे। किस तरीके का करप्शन आप यहाँ पे देखती हैं? जैसे कि आप देखो, कोई भी गरीब लोग हैं वो घर नहीं बना पाते हैं, इजीली नहीं बना पाते, उनको काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। हमने ये देखा है, पहले कांग्रेस भी आई है, BJP भी आई है, काम ऐसा हुआ नहीं जो अब हुआ है। केजरीवाल आने से ये आया है कि भाई पानी का, सीवर का और बिजली का हर चीज़ की सुविधा दी है इसने। एक यूथ होने के नाते क्या समस्याएं देखते हो अपने वार्ड में? सर, मैं ज़्यादातर तो करप्शन के ऊपर देखता हूँ, करप्शन के ऊपर, और क्या नाम है, जो युवाओं की सोच है ना। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।